हाय दोस्तों, मेरा नाम मन्ना है। दोस्तों आप देख रहे हैं हमारे हाथ में एक जो है कूल पैड का मोबाइल है, एंड्रॉइड स्मार्टफोन फिंगर लॉन्ग वाला ये मोबाइल है। फिंगर लॉक का ये मोबाइल को मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसे जब भी अगर आप ओपन करें तो बहुत ही ध्यान से आपको ओपन करना होगा, क्योंकि ये मोबाइल अगर आप जब इसे ओपन करेंगे तो ये मोबाइल का जो पता कट सकता है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि इस मोबाइल में जो प्रॉब्लम है चार्जिंग का प्रॉब्लम है। ये मोबाइल जो है अगर आप चार्ज में लगा देंगे तो सारी रात भी अगर लगा करके रखेंगे तो इसमें 1% भी जो चार्ज इसका पॉइंट बैटरी पॉइंट जो है इसका नहीं बढ़ेगा। यानी कह रहे हैं मतलब मेरा ये है कि ये मोबाइल जो बैटरी स्टॉक नहीं कर रहा है। आप देख रहे हैं ये फिंगर लॉक वाला मोबाइल है और ये मोबाइल में ये चार्जिंग प्रॉब्लम है। ये मोबाइल बैटरी स्टॉक नहीं कर रहा है, यानी रीडिंग चल रहा है मोबाइल का लेकिन चार्ज जो है इसका बैटरी नहीं हो रहा है, 1% भी जो है चार्ज ये नहीं हो पा रहा है। दोस्तों इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि इस मोबाइल को कैसे हम रिपेयर करेंगे, किस तरह से इसे रिपेयर किया जाता है। आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आप देख लें यहाँ पे कि ये मोबाइल जो है अभी चार्ज हो रहा है, ठीक है, लेकिन इस मोबाइल का ये रीडिंग जो है इसी तरह चलता रहेगा, लेकिन इसका जो है परसेंटेज जो है जरा सा भी नहीं बढ़ेगा, यानी 1% भी इसका आगे नहीं जाएगा। सारी रात भी अगर इस मोबाइल को हम चार्ज में लगा के छोड़ देंगे फिर भी इस मोबाइल का जो परसेंटेज नहीं बढ़ेगा, बैटरी स्टॉक नहीं हो पा रहा है इस मोबाइल का। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे EX मन्नानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आप अगर कंप्यूटर पर देख रहे हैं तो वीडियो तो यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं वीडियो तो यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर ऑलरेडी आपने पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है हमारे चैनल को और अभी तक आपने इस बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, इस घंटे को आपने अभी तक नहीं दबाया है, तो आप इस घंटे को जरूर दबाएं। दोस्तों मैं आपको बता दूंगा इस घंटे को अगर आप दबाएंगे तो जब भी कोई नई वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप हमारे अगली वीडियो को देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस मोबाइल का पता लगाने के लिए हमें सबसे पहले इस मोबाइल का जो बैटरी रिमूव करना होगा, इस बैटरी को हमें निकाल देना होगा यहाँ से, क्योंकि ये बैटरी जो फिक्स है, फिक्स कनेक्शन वाला ये बैटरी है, इस बैटरी को हमें निकालना होगा पहले। और निकालने के बाद हमें इस बैटरी को चेक करना है कि इस बैटरी में जो चार्ज है कितनी है, और उसके बाद इस बैटरी का जो माइनस प्लस का जो पॉइंट है वो किस तरफ है। तो इसे हम अपने मल्टीमीटर से चेक कर लेंगे कि इस मोबाइल का जो प्लस और माइनस का जो कनेक्शन है इस बैटरी में, इस बैटरी के पत्ते में जो कनेक्शन है इस बेल्ट में, तो इसमें जो कनेक्शन वो किधर है। तो इस कनेक्शन को चेक करने के लिए हम यहाँ पे अपने मल्टीमीटर को 20 वोल्ट की रेंज में सेट करेंगे, उसके बाद हम इसे यहाँ पे चेक करेंगे कि इसका जो प्लस कनेक्शन किस तरफ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसका राइट साइड में जो है माइनस कनेक्शन है इसका, और लेफ्ट साइड में जो है इसका प्लस कनेक्शन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लस कनेक्शन है लेफ्ट साइड में, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो है इसका प्लस कनेक्शन है, क्योंकि मल्टीमीटर का जो वायर है रेड कलर का, और जिस तरफ से रेड कलर का वायर से अगर ये वोल्ट बता रहा है, माइनस यहाँ पे नहीं लिख रहा है मल्टीमीटर में, ये प्लस कनेक्शन माना जाएगा, ये प्लस कनेक्शन है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरफ प्लस कनेक्शन है, तो हमें अब चेक करना है इसके होल्डर पर, इस कनेक्टर पर, ये बैटरी कनेक्टर जो यहाँ पे देख रहे हैं आप ये प्लस कनेक्शन। तो सबसे पहले हम इसमें चार्जर लगा देंगे, चार्जर लगाने के बाद हम इसे चेक करेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसकी जो पावर सप्लाई है वो कहाँ से फॉल्ट है, कहाँ से कटा हुआ है, इसे हम चेक करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसे चेक करेंगे यहाँ पे जहाँ पे चार्जिंग सॉकेट लगा हुआ है, जहाँ पे हमारा चार्जर लगा हुआ है यहाँ पे हम इसकी वोल्टेज चेक करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो कंप्लीट वो चार्जर का जो वोल्टेज आ रहा है इसका मतलब हमारा चार्जिंग पिन बिल्कुल सही है, चार्जिंग सॉकेट हमारा बिल्कुल सही है, हो सकता है इस पत्ते में फॉल्ट हो। तो चलिए हम यहाँ पे पावर सप्लाई चेक करते हैं कि यहाँ पे जो वोल्टेज आ रही है कि नहीं आ रही। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारे मोबाइल के मदरबोर्ड पर भी जो है इसका जो वोल्टेज आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारा जो बेल्ट है ये बिल्कुल सही है। तो चलिए दोस्तों अब हम बैटरी कनेक्टर के होल्डर पर जो है यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1.2 वोल्ट, ठीक है, 1.2 वोल्ट आने का मतलब है कि हमारा बैटरी जो चार्ज बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि बैटरी पॉइंट पर जो हमेशा जो है 4 पॉइंट कुछ वोल्ट आनी चाहिए, ठीक है, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट के बीच में जो है वोल्ट आनी चाहिए तभी हमारा बैटरी चार्ज हो पाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1.2 वोल्ट आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारी जो फॉल्ट है हमारी इस मदरबोर्ड में ही फॉल्ट है, ठीक है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे एक डाउट लगाना होगा, लेकिन डाउट हम डायरेक्ट बैटरी कनेक्टर के होल्डर पर नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे जो है फिक्स कनेक्शन वाला बैटरी है, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे लगाने के लिए इसलिए हमें सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि इसका जो पॉइंट है ये कहाँ पर जा रहा है। तो बैटरी कनेक्टर का जो पॉइंट है वो अगर बाहर में कहीं अगर उसका टेस्टिंग पॉइंट अगर होगा वहाँ पे हम जो है इसमें यहाँ पे डाउट लगा सकते हैं या जम्पर कर सकते हैं। तो चलिए हम बैटरी कनेक्टर पर
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है इसका बैटरी कंटर कनेक्शन यहाँ पे आ चुका है, यहाँ बाहर में है, यहाँ पे टेस्टिंग पॉइंट, तो हम यहाँ से जो है इसे डाउट लगा सकते हैं इस 5 वोल्ट से इसके 1.2 वोल्ट के बीच में, ठीक है, यहाँ पे हम डाउट लगा सकते हैं। दोस्तों आपको दिख नहीं रहा होगा, चलिए थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ और ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये बैटरी कनेक्टर है, यहाँ पे हमारा बैटरी लगता है और ये फिक्स वाला बैटरी है, तो यहाँ पे इस होल्डर में लगता है। यहाँ पे एक इसका प्लस पॉइंट है बैटरी का और इस प्लस पॉइंट का और जस्ट इसके बगल में ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 3 गो बूंदा दिखा रहा है। तो ये पहला वाला बूंदा जो यही इसका टेस्टिंग पॉइंट है, ये बैटरी कनेक्टेड से आपस में कनेक्ट है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, ये 3 वाला जो बूंदा है, सबसे पहला वाला बूंदा जो यहाँ पे एक बगल में एक डाउट लगा हुआ है, ठीक है, और ये डाउट प्लस पॉइंट है और उस तरफ जो है उसका जो माइनस पॉइंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक जम्पर करेंगे हम, यहाँ पे एक डाउट लगाएंगे और यहाँ से यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है, तो ये 5 वोल्ट में डाउट लगाएंगे हम, ठीक है। डाउट का सिरा जो माइनस वाला होगा यहाँ 5 वोल्ट में लगेगा, उसके बाद प्लस वाला सिरा से जो उसका जो जम्पर एक यहाँ पे जो इस टेस्टिंग पॉइंट पर लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं डाउट के, कि डाउट आप कहाँ से लाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कोई भी अगर एंड्रॉइड फोन अगर आपके पास फेंका हुआ हो पुराना, तो पुराने एंड्रॉइड फोन का आप जो है डाउट उपयोग कर सकते हैं, उसे निकाल सकते हैं आप वहाँ से। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास ये एंड्रॉइड स्मार्टफोन का एक मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड से यहाँ पे एक डाउट दिख रहा है, जहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे एक डाउट है। इस डाउट को हम अपने होटर गन के माध्यम से निकाल लेंगे और निकाल करके इस डाउट का इस्तेमाल करेंगे हम इस मोबाइल पर। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये छोटा सा डाउट है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इस डाउट में जो है प्लस माइनस का ऑप्शन होता है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, ठीक है। लेकिन इसे आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे, बीप मोड पे आप मल्टीमीटर को सेट करेंगे, उसके बाद दोनों तरफ से आप इसे चेक करेंगे और इसका अगर दोनों तरफ अगर बता रहा है तो ये डाउट खराब है, और दोनों तरफ अगर नहीं बता रहा तो भी इसका डाउट खराब है, ठीक है। और अगर किसी एक तरफ से बता रहा है एक तरफ से नहीं बता रहा तो इसका मतलब ये डाउट सही है। तो इस तरह से आप अपने डाउट को चेक कर। तो चलिए दोस्तों इस डाउट को हम यहाँ पे सेट करते हैं, उससे पहले हमें थोड़ा सा यहाँ पे जो है पेस्टिंग कर देना होगा हल्का सा, जिस पॉइंट पे हम डाउट लगाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर ये प्लस पॉइंट है, इस पर हम थोड़ा सा सोल्डिंग कर देते हैं, उसके बाद इस डाउट को हम यहाँ पे सेट करेंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं, डाउट का जो माइनस वाला सिरा होगा उसे आपको यहाँ 5 वोल्ट पर लगाना है, जहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है मदरबोर्ड में, तो यहाँ पे आपको 5 वोल्ट में डाउट का माइनस सिरा लगाना है। उसके बाद प्लस पॉइंट से, डाउट का प्लस पॉइंट से आपको एक जम्पर करना है और वहाँ पे देना है जहाँ पे 1.2 वोल्ट आ रहा था, ठीक है। तो दोस्तों आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो डाउट का जो प्लस वाला सिरा है उससे मैंने एक वायर लगाया है और उस वायर को मैंने वहां पर दिया है जहां पे टेस्टिंग पॉइंट है, 1.2 वोल्ट आ रहा था बैटरी कनेक्टर का जो 1.2 वोल्ट आ रहा था उसका जो बाहर में टेस्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, उस टेस्टिंग पॉइंट के बगल में एक डाउट लगा, उस डाउट के सिरे से हमने जम्पर किया है और इस डाउट के प्लस पॉइंट से मैंने आपस में इसे कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और इस डाउट को मैंने यहाँ पे जहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा था यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 वोल्ट की जगह मैंने डाउट को चिपकाया था, ठीक है। तो इस तरह से आप कनेक्शन कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप एंड्रॉइड फोन में अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप एंड्रॉइड फोन में अगर आप डाउट का इस्तेमाल करेंगे तो किसी एंड्रॉइड मदरबोर्ड से ही, पुराने बोर्ड से ही आप डाउट को निकालें, क्योंकि उसमें जो है 4 पॉइंट कुछ वोल्ट का जो डाउट होता है। और अगर आप मान के चलिए कीपैड मोबाइल को अगर रिपेयर कर रहे हैं सेम यही प्रॉब्लम को, तो कीपैड मोबाइल में आपको जो है कीपैड मोबाइल से ही डाउट को आपको निकालना है, और ये डाउट आपको मार्केट में मिलेगी नहीं, ये आपको किसी पुराने बोर्ड से ही मिलेगी। तो चलिए चार्जर को हमने कनेक्ट कर दिया है इस बोर्ड में, उसके बाद हम चलिए इसकी पावर सप्लाई नापते हैं यहाँ पे बैटरी कनेक्टर के पॉइंट पर। आप यहाँ पे देख रहे हैं बैटरी कनेक्टर के पॉइंट पर 4 पॉइंट कुछ वोल्ट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 4.2 वोल्ट 3 वोल्ट जो आ रहा है, तो इसका मतलब है अब हमारा जो बैटरी बिल्कुल चार्ज होगा, 100% चार्ज होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस मोबाइल को जब भी अगर आप इस तरह से अगर रिपेयर करें तो कस्टमर को आप बोल दें उसे कि आप उस मोबाइल को भाई आप रात भर चार्ज में लगा के ना छोड़ें, और जब आपका मोबाइल फुल चार्ज हो जाए तो उसे तुरंत हटा लें, ठीक है, ज़्यादा देर तक मोबाइल को चार्ज में ना लगाएं। चलिए इस मोबाइल को हम फिटिंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों इस मोबाइल को हम चेक कर लेते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मोबाइल जो है अब ये चार्ज होने लगेगा और कंप्लीट ये चार्ज होगा, 100% गारंटी। इस तरह से अगर प्रॉब्लम आएगा मोबाइल में तो ये मोबाइल इस तरह से अगर आप करेंगे तो मोबाइल 100% गारंटी चार्ज होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।